किरण जी, भारत फोर्ज के जरा चार्ट्स देखिए, ये जो सेल कॉल्स आ रहे हैं या जो फिर न्यूट्रल रेटिंग्स आ रही हैं, आप कितने सहमत हैं? चार्ट्स में भी वीकनेस है क्या? ये भारत फोर्ज पे जो चार्ट पैटर्न है वो कुछ खास नहीं है, और जो चार्ट पैटर्न बनते नजर आ रहा है तो उससे मैं बहुत खुश नहीं हूँ। पर फिर भी एक अच्छा सपोर्ट जो है वो करीबन 416 पे है। अगर ये निकल जाए तो वापस वो 390-380 लेवल्स टेस्ट करता नजर आना चाहिए। तो मेरा मानना है कि सारे लॉन्ग पोजिशंस के लिए आपके स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉसेस 415 के नीचे रखने चाहिए, और अगर ये होल्ड करता है तो एक छोटा सा बाउंस बैक आ सकता है 450-455 तक, तो उधर एक बार रिव्यू लेने की सलाह होगी। किरण जी, आप अगर कोई कैश मार्केट के स्टॉक देखते हो तो जीएम ब्रिवरीज के कल रिजल्ट आए थे बाजार बंद होने के बाद। ये नंबर तो खराब ही है, मुनाफा इनका केवल 2.5% बढ़ा है, मार्जिन के जो कि 27% के थे वो 20% पे आ गए। मुझे केवल आप ये बता दीजिए, इसमें शॉर्ट तो नहीं कर सकते, अगला सपोर्ट लेवल क्या है स्टॉक में? देखो, पहला सपोर्ट 340 है और दूसरा सपोर्ट 315 का है, और 315 का बहुत ही अहमियत वाला सपोर्ट है जो लॉन्ग टर्म चार्ट्स पे स्विंग लो है और वो 2017 के लोज है। अगर ये वॉयलेट करते हैं तो फिर ये बहुत स्टॉक पीटेगा। तो मेरा मानना है कि लॉन्ग पोजिशंस तो नहीं बनाने चाहिए, पर ये सपोर्ट अगर टूटते हैं, किसी के पास डिलीवरी वगैरह है तो वो बेचने की सलाह होगी फिर। किरण जी, जरा टीसीएस के 2000 के पुट का भाव बताइए, क्या मेरे ख्याल से 100 के ऊपर निकल गया होगा? कल हमने जो पुट खरीदने की राय दी थी, एक बार जल्दी से नोट कर लीजिए, कल के 2000 में आपको टीसीएस का पुट खरीदने की राय दी थी हमने। 2000 का पुट 60 रुपये में, 90 से 110 रुपये के टारगेट दिए थे, मेरे ख्याल से 125 रुपये के आसपास का दाम होना चाहिए। टीसीएस के पुट का दाम क्या है अभी बताएंगे आप? 2000? हाँ बता दो, स्ट्राइक प्राइस मुझे बताइए। 2000, 2000 का अभी ट्रेड कर रहा है, 108 110 का रेट चल रहा है। और हाई क्या बनाया है? हाय नहीं दिख रहा है अनिल जी। ओ, मतलब बनना बाकी है अभी। ओके, तो टीसीएस का पुट 100 रुपये के पार निकल चुका है, आप प्रॉफिट बुक करना चाहें तो प्रॉफिट बुक कर लीजिए और लाइफ एंजॉय कीजिए। बहुत ही बढ़िया। तो टीसीएस में अब मुझे जल्दी से एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस दे दीजिए किरण जी, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस क्या रखना चाहिए अगर किसी की शॉर्ट पोजिशन है तो? फ्यूचर्स का बता दीजिए। फ्यूचर्स का ही बता रहा हूँ। टीसीएस की अगर शॉर्ट पोजीशन है तो आपका स्टॉप लॉस रहेगा करीबन 1925, 1925 के स्टॉप लॉस के साथ शॉर्ट पोजीशंस रखे, और नीचे जाने की संभावना इस स्टॉक में देखने को मिल रही है। गुल किरण जी के लिए बीटीएसटी का। सर अनिल जी, ये परसों भी मैंने दिया था शॉर्ट कवरिंग का कैंडिडेट सीएससी, और ये अच्छा खासा भाग रहा है और अभी बाय करने की सलाह है। इसने एक बहुत अच्छा ब्रेकआउट दिया है, लेवल था करीबन 365 के करीब, और आज ये बहुत अच्छे वॉल्यूम्स के साथ चल रहा है। मेरा मानना है कि इसका टारगेट काफी बड़ा है। मेरा पहला टारगेट रहेगा 785, दूसरा टारगेट रहेगा 790, और इस बड़े टारगेट के लिए आपका बहुत छोटा स्टॉप लॉस है, वो है 766 का। तो ये बड़े टारगेट के लिए ट्रेड करने की सलाह है, और एक अच्छा खासा रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो आपको देखने को मिल जाना चाहिए। तो सीएससी में खरीदारी करके, हाँ, एक बार स्टॉप लॉस टारगेट फिर से आपको नोट करवा दी जाए, 771-72 के आसपास करनी है खरीदारी। किरण जी, क्या है स्टॉप लॉस? 766 का स्टॉप लॉस, 786 ठीक है, 785-790 दो टारगेट के लिए। ओके, अब आपको इसमें बाउंस बैक नजर आता है पिरामल एंटरप्राइजेस में, खरीदारी करनी है इसमें कि नहीं करनी है? नहीं करनी है। मेरा मानना है कि ये तो इतना खराब चार्ट पैटर्न हो गया है कि इधर से काफी बड़ी डाउनसाइड देखने को मिल जानी चाहिए। अगर हम इसका एक्सट्रीम लॉन्ग टर्म चार्ट देखते हैं तो इसने एक बहुत बड़ा सपोर्ट जो 1800 के करीब था, 1800 और फिर 1700, ये जो सपोर्ट जोन था वो तोड़ दिया है। नेक्स्ट सपोर्ट करंट लेवल्स के करीब है, पर ये तोड़ने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है, और मेरा मानना है कि आते दिनों में ये स्टॉक करीबन आपको 1200 के नीचे के स्तर देखने को मिल जाने चाहिए, तो इधर बाइंग बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। किरण जी, जरा आईसीआईसीआई बैंक के चार्ट देखिए, इसके लिए अगला रेजिस्टेंस कहाँ पे है, तेजी कहाँ तक जा सकती है? देखिए, अगला रेजिस्टेंस काफी स्ट्रांग है, वो 440 और 450 के बीच में है, वो टेस्ट करने चाहिए, पर वो क्रॉस करना थोड़ा सा मुश्किल होगा। पर जब क्रॉस करेगा तो आईसीआईसीआई बैंक इधर बहुत बड़ा आउट परफॉर्मेंस दिलाता नजर आएगा, तो आपका ध्यान होना चाहिए 440 और 450 जो सप्लाई जोन है उसके ऊपर, इसके ऊपर जाते ही आप एग्रेसिव होके बाय करना चाहिए। एक ग्लेनमार्क फार्मा है किरण जी, जरा ग्लेनमार्क फार्मा के चार्ट देखिए, ये आपको कमजोर नजर आ रहा है यहाँ से?
संदीप जी, इसके पहले एक बिगुल बजाइए, बहुत बड़ा ब्रेकआउट देखने को मिला है। ठीक है जी, बीटीएसटी का बिगुल किरण जी के लिए। बताइए सर, ब्रेकआउट आते फिर खरीदना है? बिल्कुल खरीदना है, बिल्कुल खरीदना है। और आईटी कंपनी है माइंडट्री, ये बाय करके चलना चाहिए। इसने एक बहुत बड़ी नेकलाइन तोड़ी है, 731 का लेवल है फ्यूचर्स में, और मेरा टारगेट इसमें करीबन 752 के देखने को मिल जाने चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। आज के ट्रेड रहेगा और अभी स्टॉप लॉस मेरा 731 पे रहेगा, तो 752 के टारगेट के लिए बाय करके चलने की सलाह है माइंडट्री पे। आइए अब एक बिल्कुल फिर से अब बाजार के शहंशाह का किरण जी के लिए। किरण जी बताएं सर, पहले डायलॉग जी। हाँ पहले डायलॉग। हाँ बिल्कुल, जो मैं डायलॉग बोलने जा रहा हूँ वो त्रिशूल का ब्लॉकबस्टर फिल्म था। त्रिशूल पे से है, त्रिशूल पे है। तो सही बात को सही वक्त पे किया जाए, उसी का उसका मजा ही कुछ और है। और मैं सही वक्त का इंतजार करता हूँ, और वो सही इंतजार जो वक्त का करता हूँ उसको हम ब्रेकआउट कहते हैं अपने। क्या बात है, वाह। सही बात को सही वक्त पे किया जाए तो उसका मजा ही कुछ और है, और मैं सही वक्त का इंतजार कर रहा हूँ। ठीक है तो जी जी किरण जी, और अभी अभी एक बहुत ही बेहतरीन ब्रेकआउट आया है, मेरा सुपर हाई कन्विक्शन है और ये किसी ने छोड़ना नहीं चाहिए। वो स्टॉक है पावर ग्रिड, अभी बाय करना चाहिए। इसके तीन कारण है और तीनों कारण मैं बता देता हूँ। वॉल्यूम्स, रिकॉर्ड वॉल्यूम्स के साथ ये स्टॉक चला है, 200 का अहम लेवल है उसने क्रॉस किया है, और ऑप्शन चेन डेटा देखते हैं तो 200 के कॉल ऑप्शन में 9,20,000 शेयर्स थे, उसमें से 12,000 कवर हो चुके हैं और ये कवरिंग हायर स्ट्राइक प्राइस पे चल रही है। तो मेरा मानना है कि आज के लिए टारगेट ये सबसे आउट परफॉर्मर रहेगा, 209 के टारगेट्स आपको देखने को मिल जाने चाहिए, और वो भी आज बहुत बड़ी परसेंटेज राइज है। और आपका स्टॉप लॉस 201 का है, यानी 1 रुपए का आपका स्टॉप लॉस है, 1.5 रुपए का स्टॉप लॉस है, और इधर से करीबन 8-9 रुपए का टारगेट है। तो ये छोड़ना नहीं चाहिए, जिस तरीके से ये स्टॉक चल रहा है आपको बहुत बड़ा मुनाफा इस स्टॉक में देखने को मिल जाना चाहिए। तो पावर ग्रिड आज के बच्चन साहब के लिए आपके लिए डेडिकेटेड।